ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिवसैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है, आज उसकी गोद में बैठे हैं। और मैं एनसीपी के नेता को चुनौती देता हूं, आप राहुल से बयान करवाइए, वो जीवन में कभी भी वीर सावरकर का अपमान नहीं करेगा। जब एक बयान करवा दीजिए, अभी उन्होंने चुनाव है इसलिए चुप करवाए, ताला मारा है उसको, लेकिन जरा बुलवा दीजिए अखबार कि मैं जीवन भर वीर सावरकर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, जरा एक बार बुलवा दीजिए उनको। कि महाराष्ट्र मध्ये कुणीतरी एक व्यवस्था आहे, आसवा कधी असतो, माणूस गेल्याच्या नंतर असतो, याने चिंता फैली आम्हा लोकांची। व्यवस्था आसवा मी एवढंच सांगू इच्छितो की हा आसवा तुम्हाला सत्तेहून बाजूला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, त्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ती करण्याची ताकद तुम्हा सगळ्यांच्या मदतीनं आम्हा लोकांच्याकडे आहे, त्याची पूर्ण उपयुक्तता ही करण्याची भूमिका घेतली जाईल, एवढंच या ठिकाणी सांगू।